समस्त प्रकार गाड़ी चलेबा पूर्वरु किछि नियम मानिबाकु पड़थाय। सरकार को द्वारा गाड़ी चलाना उपरे किछि कड़ा नियम करा जायछि, जेमिति 18 वर्षरु कम वयसर पिला माने गाड़ी चलाई पारिबे नाही। एबे बिना लाइसेंस भी काहाकु रास्तारे गाड़ी चलाइबार अनुमति नाही। नियम भंग कले गणिबाकु पड़े दंड। सबु गाड़ीर चालकंक पई रहिछि भिन्न भिन्न लाइसेंस, किंतु आपण जानिछंती कि एमिति एक गाड़ी अछि जहार चालकंक पाखरे लाइसेंस अछि कि नाही। आज्ञा हां, आपण माने केबे भाबिछंती कि ट्रेन चालकंक उपरे एपरि किछि नियम लागू होइछि कि नाही, तेबे आज आमे आपणकु एही विषय रे कहिबु। वास्तवरे आम देश में ट्रेन चलाइबापी आवश्यक पड़ता है रेलबाई मंजूरी, तेबे जी ट्रेन चलाइबे रेलबाई पक्षरु अनुमति प्रदान करा जाय थाए, किंतु ट्रेन चलाइबा लागी साधारण लाइसेंस परी अनुमति दिए जाने थाए, बरं रेल विभाग किछि लोकंकु एही अनुमति मिलथाय। भारतीय रेलरे ट्रेन चलाइबाकु हेले पायलट को कोनोसी प्रकार लाइसेंस रो आवश्यकता पड़ि नथाय। पूर्वरु मध्य एभली किछि नियम होइ नथिला। ट्रेन चलाइबाकु हेले रेलबाई पक्षरु प्रथमे लोको पायलट को नियुक्ति दिया जाय थाए। एहा परे लोको पायलट को प्रथमे मालगाड़ी चलाइबार दायित्व मिलि थाए, कारण यात्रीबाही ट्रेन पई सेमाने प्रस्तुत होइ नथांती। यात्री को सुरक्षा को दृष्टि रखी केवल अभिज्ञ पायलट ही यात्रीबाही ट्रेन चलाई थांती। मालगाड़ी चलाइबा परे अभिज्ञता पायलट तो सहित लोको पायलट अभ्यास करी थांती। यहाँ परे सेमान को यात्रीबाही ट्रेन चलाइबा को अनुमति मिलि थाए। लोको पायलट पदवी पई लिखित साक्षात्कार एवं डाक्तरी परीक्षा कराजे प्रार्थी मनोनीत करा जाय थाए। परे सेमानकु तालीम दिया जाय थाए। तालीम समय रे सेमानकु प्रथमे ट्रेन इंजिन विषय रे एवं परे ट्रेन चलाइबा विषय रे प्रशिक्षण दे जाय थाए। एहा परे सेमानकर डिविजन इंजीनियर परीक्षा नै थांती। एथिरे उत्तीर्ण हेतुआ प्रार्थीकु एक सर्टिफिकेट प्रदान करा जाय थाए, जहाँ सेमानको पई लाइसेंस रो काम करी थाए एवं एही सर्टिफिकेट ही सेमानकु ट्रेन चलाइबाकु अनुमति पाई थांती। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।